दुमका पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन द्वारा पूर्व के बीजेपी सरकार में रहे 5 मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी से जांच के मामले में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कानून जो कहता है उसमें कानून अपना काम करेगी। जब दिया का तेल समाप्त होने लगता है तो बत्ती ज्यादा भभकता है। आज वही हालात है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है। हेमंत की सरकार है, जहां जांच करना है कर लें, मुझे कुछ नहीं कहना। आज 28-29 महीना हो गया हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 100 से ज्यादा चिट्ठी भ्रष्टाचार को लेकर लिखी। कहा कोयले की चोरी हो रही, कहा पत्थर की चोरी हो रही, कहा पासिंग हो रही, लेकिन इन अवैध कारोबार पर कोई पहले कार्रवाई नहीं हुई। आज कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, क्रशर सील किया जा रहा, बालू रोक लगाई जा रही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2 वर्षों में कोयला बालू पत्थर इन इलाकों से निकाला गया, उसका जिम्मेदार कौन है, उसके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई करेगी। 2 साल से जो अवैध क्रशर कोयला माइनिंग हो रही थी उसमें बिना माइनिंग अधिकारी DCSP के इशारे के बिना तो नहीं चल रहा होगा। उस समय तो सभी लोग मिलजुल कर पैसा खाए होंगे और ऊपर तक पैसा गया होगा। इसलिए हमने कहा कि जब बत्ती बुझने को है तो ज्यादा फड़फड़ाता है, आज वही होने को है। दुमका से अगस्तीन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। जो कानून जो कहता है कानून अपना काम करेंगे, उस पर हमारा कुछ नहीं करते। क्योंकि आप देखें ना, जब आदमी के क्या बोलते हैं, जब बत्ती जब बूझने लगता है, तेल समाप्त होता है, उस समय अधिक बकबक करता है। तो आज वही हालत है राज्य के मुख्यमंत्री। ये क्या बदले की राजनीति? उस बारे में मैं नहीं कहूंगा कि बदले की। हमने कहा कि भाई सरकार है, वो जहां जांच करना पड़े उसमें क्या नहीं। ये किस संदर्भ में आप बोले कि बत्ती बुझ? आज अगर आपने देखा होगा कि भाई जिस प्रकार के मैं इधर ही आए नहीं बल्कि वो जो हम देख रहे हैं भाई, 28-29 महीना हो गया हेमंत सोरेन की सरकार को बनने। 28-29 महीनों में हमें लगता है कि पत्र ही कम से कम 100 से अधिक हम लिखे होंगे राज्य के मुख्यमंत्री, और फेसबुक और ट्विटर में तो उनको कई हमने टेक किया होंगे। कहाँ कोयला की चोरी हो रही है, कहाँ पत्थर की चोरी हो रही है, कहाँ लोहा की चोरी हो रही है, कहाँ बालू की चोरी हो रही है, किस प्रकार की पासिंग हो रहा है, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। आज आप देखें, पिछले दिनों अखबार में देखे आपके दुमका संथाल परगना कई क्रेशर को तोड़ा जा रहा है, सील किया जा रहा है। हमने कहा कि तोड़िए सील करिए, मुझे कोई बात नहीं लगेगा। लेकिन 2 वर्षों तक वहां से कितने पत्थर निकला, कितने कोयला, कितने बालू निकला, उसके लिए कौन जिम्मेवार? वो जिम्मेवारी कौन फिक्स करेगी? उसके ऊपर ये सरकार क्या कार्रवाई करेगी? उसके ऊपर यहाँ के SP, यहाँ के DC, यहाँ के खनन अफसर के ऊपर क्या कार्रवाई करेगी? 2 साल से अगर कोई क्रेशर और कोई खदान चल रहा था तो बिना माइनिंग ऑफिसर के, बिना DC, बिना SP के तो नहीं चल रहा होगा। यानी उस समय तो सारे लोगों ने पैसा खाया है मिलजुल करके, और वो पैसा वहां तक पहुंचा है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब बत्ती जब बूझता है ना, होने को होता है बूझता, तब उस समय फड़फड़ाता है। तो आज वही हालत है। तो ये दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।